अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ईगन वैल्यूज को हम मैटलैब में किस तरह फाइंड कर सकते हैं और ईगन वैल्यू होती क्या है, ईगन मैट्रिक्स क्या होते हैं और उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ईगन वैल्यूज़ की डेफिनेशन क्या है। ईगन वैल्यूज आर द स्पेशल सेट ऑफ द स्केलर्स एसोसिएटेड विद द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इट इज मोस्टली यूज इन द मैट्रिक्स इक्वेशन। ईगन एक जर्मन वर्ड है जिसके मीन प्रॉपर के हैं। सो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें कि मैट्रिक्स की अगर हम देखें कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स है, तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो हमारी ईगन वैल्यूज को प्रेजेंट कर रहा है। सो अगर हम ईगन वेक्टर की बात करें इसी इक्वेशन के अंदर, जो नॉन जीरो हैं, जिनके अंदर चेंज नहीं आती, ऐसे समझने के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड नहीं होती जिन पे, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो हमारी ईगन वैक्टर्स हैं। सो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यहाँ पे जो एक्स है वो हमारा डिनोट कर रहा है ईगन वेक्टर्स को। अगर हम इसके नीचे एग्जांपल देखें और इसको रन करके देखें, ठीक है, तो ये है हमारे पास एग्जांपल। हमारे पास है ये कंप्यूट द ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने इसकी ईगन वैल्यूज और ईगन जो है वेक्टर मालूम करने हैं। सो मैं चलता हूँ मैटलैब पे, मैटलैब को ओपन करता हूँ, क्लियर स्क्रीन करता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैटलैब कैसे इंस्टॉल करते हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कि मैटलैब को हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एडिटर विंडो को ओपन करता हूँ। मेरे पास एडिटर विंडो आ गया है, उसके अंदर हम अपने मैट्रिक्स को वैल्यूज जो हैं वो शो करवाते हैं। क्लियर ऑल, देन क्लोज ऑल, क्लियर स्क्रीन। देन हम जो अपना मैट्रिक्स है वो लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे। सो हमारा जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हम वैल्यूज इसको स्क्रीन को साथ कर लेते हैं, और वैल्यूज जब हम लिखते हैं तो रो वाइज लिखते हैं, यानी कि एक रो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह जितने भी है हमारे पास वैल्यूज होंगे उनको लिखते जाएंगे। जो रो वाइज होती हैं उनको हम कॉलम से अलग करते हैं, जब सेकंड रो पे जाते हैं तो उसको हम सेमी कॉलम से करते हैं। जैसे लाइक फर्स्ट रो में 1, 0, 1 और 3 है, तो मैंने इनको कॉमा से जो है अलग किया है आपस में, उसके बाद सेमी कॉलम लगाया है। अब सेकंड रो 2, 4, 1, इसी तरह सेमी कॉलम लगाएंगे। थर्ड के लिए 6, 1 एंड 8 मैंने कॉमा लगाया है और 8, और पैरेंथेसिस मैंने क्लोज कर दी है। उसके बाद हमने इंटर प्रेस करना है। अब हमने ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, हमने क्या है मालूम करना था, ईगन वैल्यूज और ईगन मैट्रिक्स। तो ईगन के लिए हम यहाँ पे EIG, ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे शॉर्टकट इसके लिए यूज होता है EIG, उसके बाद जो है हम इसको हमारे जो मैट्रिक्स का नाम होता है वो असाइन कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने मालूम जो करना है वैल्यूज मालूम करनी है और जो है ईगन वेक्टर मालूम करना है। सो इसके अंदर मैटलैब के अंदर हमारे पास जो मालूम करने का तरीका है वो ये है कि हमारे यहाँ पे P एंड D, P से मुराद होता है कि ईगन मैट्रिक्स और D से मुराद होता है ईगन वैल्यूज विद द डायगोनल मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पैरेंथेसिस ओपन P.D। पी किस चीज को डिफाइन, मैंने अभी बताया कि आपका वेक्ट्रिक्स को जो एगन वेक्ट्रिक्स है पी उसको डिनोट कर रहा है, एंड डी जो डिनोट कर रहा है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स विद द एगन वैल्यूज को। सो फ्रेंड्स हमने ये लिख लिया है, वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ठीक है, हम डायगोनल मैट्रिक्स की जो वैल्यूज थी मैट्रिक्स के अंदर वो हमने डिनोट कर ली है, और पी जो हमारा डिनोट कर रहा है डायगोनल वेक्टर्स। सो फ्रेंड हमने मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया है, पी हमारा शो कर रहा है, ठीक है, एगन वेक्टर्स को, और डी शो कर रहा है हमारा एगन वैल्यूज को। सो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको यहाँ से रन करेंगे। नीचे हमारी कमांड विंडो है जहाँ पे ये रन होके आएगा, तो एडिटर विंडोज को हमने सेलेक्ट किया और रन पे क्लिक किया,
तो दोस्तों ये देखें, हमारे पास P की जो वैल्यू आ रही है वो नीचे यहाँ पे ये आ रही है, और जो D की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। सो ये जो D है हमारा, ये है ईगन वैल्यूज, और P है जो हमारा, ये हमारा है ईगन मैट्रिक्स। सो अगर आप और एग्जांपल देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को मिल सके।